प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार जनमंच कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ठगने का काम कर रही है तथा लोगों को आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक स्थान पर एकत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन समस्याओं का समाधान करवाया जा रहा है जिन्हें पंचायत स्तर पर आसानी से हल किया जा सकता है। जिन समस्याओं का हल की जरूरत हर आदमी की होती है उनकी मनाही की गई है। उन्होंने सरकार पर पंचायती राज प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत भवनों को सामुदायिक केंद्रों में बदलने की अधिसूचना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये अधिसूचना ग्राम पंचायतों के कामकाज में दखल देती है, इसलिए सरकार इस अधिसूचना के बारे में पुनर्विचार करे। संविधान के 72वें और 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को न्यायिक मामलों को सुनने की शक्तियां दी गई हैं, जिस कारण ग्राम पंचायत भवनों को सामुदायिक केंद्रों में बदलने की अधिसूचना गलत है। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात रामलाल ठाकुर ने कही। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम चलाया जाता था जिसमें प्रशासनिक एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन अब वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को जनमंच का नाम दे दिया है जिसमें लोगों की भीड़ को समस्याओं के समाधान के नाम पर एकत्रित किया जा रहा है व सरकारी पैसे की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन कार्यक्रमों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्घाट में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में उन्हें विधायक होने के बावजूद भी नहीं बुलाया गया था, लेकिन इस बार रानी कोटला में 7 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होने वाले जनमंच कार्यक्रम में वह भी भाग लेंगे। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में काफी संख्या में समस्याएं लाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर जिला महामंत्री संदीप सांख्यान व जिला सचिव हेमराज भी मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर रखे जा रहे हैं और जिनका नाम दिया हुआ है जनमंच कार्यक्रम, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भी कार्यक्रम थे पर प्रशासन जनता के द्वार पे जो है वो जाता था, उसमें डिप्टी कमिश्नर या तो आगे एसडीएम को भेजते थे या सीनियर ऑफिसर जाते थे और लोगों की समस्याओं का निपटारा करते थे। अभी जब से नई सरकार बनी है तब इसका नाम बदल के जनमंच हो गया क्योंकि नाम बड़ा अच्छा है और लोगों को आकर्षित करने के लिए यहां पे मंत्री जो है उनकी ड्यूटियां लगती है। मैं प्रदेश के जो हमारे स्पीकर हैं हिमाचल विधानसभा के, मैं उनका सम्मान भी करता हूं और क्योंकि वो रानी कोटला में मेरे चुनाव क्षेत्र में 7 तारीख को उनके आने का कार्यक्रम है और जो पंपलेट छपे हैं उसमें कहा गया है कि कौन कौन से काम यहां पे होंगे, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा तो ये है कि भी शिकायत निवारण जो है वो कार्यक्रम होगा। इसकी क्या शिकायतें हैं? शिकायत मान लो सड़क के बारे में है तो सड़क की बात नहीं सुनी जाएगी, अगर शिकायत पानी के बारे में है तो पानी की बात नहीं सुनी जाएगी, अगर मान लो कोई स्वास्थ्य विभाग के बारे में शिकायत है वो नहीं सुनी जाएगी, अगर शिक्षा विभाग में कहीं पे कोई अध्यापक स्कूल में नहीं है, डॉक्टर नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, तो ये बातें नहीं सुनी जाएगी। अगर सुने जाएगा तो क्या है कि अगर मान लो जाति प्रमाण पत्र किसी ने देना हो, ये कहूंगा कि ये स्पीकर साहब की गरिमा से भी नीचे की बात है कि भाई अगर किसी ने जाति प्रमाण पत्र लेना है तो क्या वो स्पीकर साहब देंगे? जाति प्रमाण पत्र मिलता है कि वो पंचायत से लिखवाएंगे, पटवारी लिख के देगा और फिर तहसीलदार जो है वो जो है ना उसको अटेस्ट करेगा और जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ऐसी जो है वो बयान हल्फी भी वहीं पे देने की बात है। बयान हल्फी तो अदरवाइज भी क्या होता है जो है ना जो पब्लिक नोटरी है वो भी बयान हल्फी जो है ना वो करते हैं या कहीं पे किसी तहसीलदार नायब तहसीलदार के पास या कहीं और जगह अगर कोई बयान हल्फी देना है तो वो दिया जा सकता है। ये मैं कहूंगा कि 13 पंचायतों के लोगों को जो है वो बयान हल्फी के लिए जो है वो रानी कोटड़ा में इकट्ठा करना, ये मैं कहूंगा कि तर्कसंगत बात नहीं लग रही है। और कह रहे हैं परिवार रजिस्ट्री की कॉपी भी वहां पे मिलेगी, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये तो परिवार रजिस्ट्री की कॉपी सेक्रेटरी पंचायत लेता है और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। वहां पे लोग जाते हैं अपनी पंचायत में जो है वो परिवार रजिस्ट्री कॉपी लेते हैं। और साथ में मैं कहना चाहूंगा जैसे वृद्धा और विधवा और दिव्यांग का जो पेंशन है, पेंशन फॉर्म भरे जाएंगे तो वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो है वो उनको, लेकिन मैं कहूंगा कि क्या स्पीकर साहब रानी कोटड़ा में किसी को पेंशन दे पाएंगे? क्या वो सैंक्शन करेंगे इनको? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे कहीं पे जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र है
ये सारी चीजें जो है, और बड़ी बात यह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रोपेगेंडा करने का कार्यक्रम जो है वो जनमंच का रह गया है।